और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर दो दो तीन तीन महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो थ्री लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान हैं हम, खुद जमींदार फैमिली से हैं, खुद किसान हैं, और जिस तरह से इन्होंने मुझे जो है मेरे जो संबंध हैं किसानों से जो है, चाहे आप कहिए कि एक तरह से गलत खबरें उड़ा देना या उस तरह से किया, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं, क्योंकि भारतीय अच्छे से जानते हैं कि ये एक ही बेटी है जो अपना नुकसान करके जो है देश का लाभ सोचती है, और कोई अपना नुकसान करके देश के लाभ नहीं सोचते हैं। सब सोचते हैं कि भी हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए, फिर देश का फ़ायदा हो जाए। तो कोई ये लड़की जो है अपना करियर इसने बर्बाद कर लिया, अपनी जो है सिक्योरिटी लेके ये घूमती है, इसकी आज ज़िंदगी खतरे में है। आज ये देश के लिए बोलती है, देश की बेटियों के लिए और देश की जो है वो सुरक्षा के लिए, टुकड़े ना हो टुकड़े गैंग के खिलाफ मैं अकेली खड़ी हुई हूँ। तो ये देश देख रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब मेरा जो मन है वो एक बच्चा बच्चा जन जन जानता है। इसीलिए चाहे जो भी मुझे विपक्ष वाले कहें, लेकिन जब मुझ पर कोई बात आती है तो सारा देश हमेशा मेरे साथ होता है। चाहे वो शिवसेना ने मेरा घर तोड़ा हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे सताया हो, या अब जो कांग्रेस वालों ने मुझे मंडी के क्या भाव है ये कहा हो, तो देखा कि देश किस तरह से मेरे साथ खड़ा हुआ। और आज मुझे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अगर पार्लियामेंट में भेजा है तो क्या लगता है कि वो उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। ये बयान सुना आपने जो कंगना रनौत देती नजर आ रही है। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानून को लेकर जो बयान दिया है उससे सियासी खलबली मच गई है। कंगना रनौत के बयान के बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी अब प्रतिक्रिया आ गई है। जी हाँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 750 किसानों ने अपनी शहादत देकर एमएसपी और मंडी प्रणाली को भाजपा की तानाशाही सरकार से बचा लिया है। कांग्रेस नेता ये तक कहते नजर आए कि काले कृषि कानून वापस लाने के मंसूबे रखने वाले तमाम बीजेपी सांसदों को हमारी चुनौती है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद देश में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो यह कानून वापस लागू कर सके। अब क्या कुछ दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आए हैं अपने इस बयान में, आप उनका ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। पूरा देश देख रहा है हरियाणा का क्या फैसला होता है, पूरे देश की नजर आप पे है। आपने देखा होगा आज इनकी एक एमपी का बयान आया, कंगना रनौत का बयान, देखा जाए आपने, इनकी एक एमपी का बयान आया, आपको पता चल जाएगा। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से तीन कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है, हरियाणा में भले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं आज स्टेज के माध्यम से, चुनौती से, प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो तीन कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से, हम चुनौती देते हैं कंगना रनौत को, आप आ जाना मैदान में, आप भी लोकसभा में हो, हम भी लोकसभा में हैं, आप आ जाना मैदान में। हरियाणा का नतीजा होने के बाद जब शीतकालीन सत्र होगा, आप तीन कानूनों को लेकर आना, हम हरियाणा के हम जना जन भावना को और जनादेश को लेकर जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो आपके ये, तो ये बीजेपी है। तो सुना आपने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आप भी लोकसभा में हैं, हम भी लोकसभा में हैं, हरियाणा में चुनाव पूरे होने के बाद जब शीतकालीन सत्र होगा तो आप तीन कानून को लेकर आना और हम जनता की भावनाएं लेकर। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कहना है कि अब वे ये बात समझ चुकी हैं कि उन्हें निजी बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि वे अब बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, केवल कलाकार नहीं हैं। कंगना रनौत ने कहा कि अगर उन्होंने अपने शब्द और सोच समझ के कहे होते तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनसे निराश नहीं होती, वे अपने शब्द वापस लेती है। ये पूरा समीकरण जो कहीं ना कहीं कंगना रनौत के खिलाफ इस वक्त जाता नजर आ रहा है, साफ तौर पर ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है
वो तेज हो चुकी है। एक और कंगना रनौत किसान को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, एमएसपी को लेकर, तीन बड़ी मांगे वापस लेने को लेकर तमाम बड़े बयान देती नजर आती है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कंगना रनौत पर हमलावर रुख लेते हैं, ना केवल बीजेपी अब कांग्रेस के भी नेता कहीं ना कहीं कंगना रनौत को बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। हाल ही में गौरव भाटिया बोलते नजर आए, अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के मुख्य चेहरे हैं, हरियाणा कांग्रेस के मुख्य चेहरे हैं, वो अपना बयान देते नजर आए। कहीं ना कहीं ये बात कंगना रनौत को समझनी होगी कि अब वो केवल कलाकार नहीं है, अब वो राजनीति में है और राजनीति में सोच समझ के उन्हें अब अपने बयान देने चाहिए। फिलहाल अब कंगना रनौत के इस बयान पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।